सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम मैसूर बोंडा बनाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और ये साउथ की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। तो चलिए साथ में अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले मैंने दही लिया था, दही मैंने आधा कप लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया, नमक आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। फिर इसमें मैंने मैदा ऐड किया था, मैदा मेरा 125 ग्राम था और 1 कप था। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप चावल का आटा ऐड कर दिया है, और फिर इसमें मैंने कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी और लहसुन भी था इसमें। इसका जो पेस्ट था मैंने 2 टेबलस्पून डाला, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। इसका हमें एक बैटर बना के तैयार कर लेना, और आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी कैसा हमें बैटर बना के तैयार रखना है। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी थोड़ा ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी थी, और नमक आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना, क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा नमक डाल दिया था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है। फिर इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, और जो हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड रखनी है, क्योंकि जब हम इसे डालेंगे तो ये मतलब एकदम कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया पत्ती डाल दी थी काट करके, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। बस हमारा जो बैटर है वो तो रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा देर के रेस्ट दिया था, और आप लोग बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई लिया था, कढ़ाई को पहले मैंने हीट कर लिया था, फिर इसे मैंने छाना था, और इसे मैंने 1 घंटे तक लगभग रेस्ट दिया था। और ऐसे ही सारे मैंने अपने मसूर बोंडा जो है इसे डाल करके कर दिया, और आप लोग इसका कलर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा आया है। जो हमारा मसूर पोंडा है वो बनके तो रेडी हो गया, और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैंने ये रेसिपी मतलब सुना बहुत था, बट मैंने आज ट्राई किया और बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी भी होता है। चावल के आटे को डालने से ना ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। बस यही सेम प्रोसेस करके मैं अपने सारे मसूर पोंडे को तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे खाली कर लेती हूँ और मैं आपको सर्विंग करके दिखा देती हूँ। तो पहले मैंने इसे सर्व कर दिया, और आप इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हो कितना ज़्यादा टेस्टी है। मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ नहीं बनाए थे, अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ छोटे बड़े कर सकते हो, बट मेरे को इतना बड़ा साइज़ सही लगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है रेसिपी, और आप लोग इसको अंदर से भी देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।